For example, if displacement of a body is given by t square, क्वेश्चन में गिवन है, एक बॉडी चल रही है, उसका x कोऑर्डिनेट t square से चेंज हो रहा है. पहला क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t1 1 second टू टाइम 2 second. हमने किया भी था ये पहले एक बार, सेम चीज है. तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने क्या बताया था, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. डेल्टा एक्स की वैल्यू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. तो टाइम की वैल्यू t1 1 second है और t2 की वैल्यू 2 second है. ठीक है, जब टाइम 1 second है तो यहां पुट करो x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1. t को 1 पुट करो, x क्या आएगा, 1. टाइम को 2 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी, 4. सही है, तो आप x2 की जगह वैल्यू पुट कर दें 4, x1 की जगह 1, t2 की जगह 2, t1 की जगह 1, ये बनेगा 3, ये बनेगा 1 आंसर. कहने का मतलब, जब कोई प्रॉब्लम फिजिक्स की आएगी जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, उसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, सीधा डेल्टा एक्स पर डेल्टा टी से आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? के अंदर आपको ये आ जाए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है. तो मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो x की वैल्यू t स्क्वायर ही है, x की वैल्यू t स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 second. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, d/dt ऑफ x. x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, 2t. तो v का फॉर्मूला क्या आ गया, 2t. आप टाइम को 1 second पुट कर दें तो जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 meter per second आंसर. तो इंस्टेंटेनियस वर्ड जब आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. कोई डाउट इसमें, क्लियर है? टी स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन 2 × t^1, 2t, 2 × t, तो वेलोसिटी 2t, टाइम उसे 1 second में पूछा, पुट किया आंसर. अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फाइंड x = t², फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t = 1 second, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियसली पूछ रहे, क्योंकि 1 second पे 2 second पे 3 second पे वेलोसिटी क्या कहलाई जाएंगी, इंस्टेंटेनियस. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है. हाँ, अगर एवरेज का पता कैसे लगता है, वो वर्ड यूज करेगा एवरेज. अगर वो एवरेज यूज नहीं कर रहा तो 99% टाइम वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमने काम किसमें करना है, इंस्टेंटेनियस. क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अब सपोज क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा क्वेश्चन आया, इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर से एक बार, इफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये क्वेश्चन है, उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन, उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वर्ड बोल दिया. मुझे सिर्फ ये बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा क्या, बोलो. dv/dt, एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करते, छोटी क्लास की डेफिनेशन बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मैंने एवरेज नहीं कहा, तो रेट ऑफ चेंज का दूसरा शॉर्ट नाम क्या है, डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का. कोई डाउट इसमें?
तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डीवी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डीएक्स बाई डी टी। ये स्टेप क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है, मेरे को एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी, और मुझे क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, वी दिया मुझे एक्स हुआ है। क्या आप एक्स से वी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टू स्टेज प्रोसेस है ये, बाय डिफॉल्ट है मन में आपको वी निकालना ही पड़ेगा। अगर आप सीधा ये सोचें एक्स से सीधा ए आएगा तो नहीं आएगा, रास्ते में एक्स के पहले वी आएगा, वी से ए आएगा। चलो वी निकालते हैं, वी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। तो वी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा, टू टी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, टू टी। अब एक काम करो, इस वेलोसिटी की वैल्यू को जो आपने निकाली, इसको उठा के यहां पे पुट करो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी डी बाई डी टी ऑफ वी, वी की वैल्यू क्या है, टू टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टू इन टू डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू वन। तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज द आंसर। चाहिए पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो रूल समझ में आ रहा है यहां तक कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी नहीं होगी तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स से क्या निकलेगी, वेलोसिटी। दो बार करना पड़ेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक, यहां तक स्टेप क्लियर है, यहां तक ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, कौन सी एक्सेलरेशन निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 1। कॉमन मिस्टेक, लोग सबसे पहले ना टाइम उठा के 1 पुट कर देंगे, फिर एक्स की वैल्यू कहेंगे 2 है जी, 2 की डिफरेंशिएशन 0 है जी, एक्सेलरेशन 0। तो आपकी तो हर क्वेश्चन में आंसर 0 आना है, तो पहले वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले क्या निकलेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड में टाइम को पुट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे वेलोसिटी, क्योंकि एक्स से पहले क्या निकलेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2t + 1। फिर कोई कहता है काम करते हैं टाइम को 1 पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 3। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर आपका तो सदा ही ए 0 आएगा, क्योंकि आपने यहीं में खत्म कर दिया क्वेश्चन, आपने नहीं करना, इंस्टेंटेनियस को ही डिफ्रेंशिएट करना है बिना टाइम की वैल्यू पुट किए। तो वी की वैल्यू आ गई, क्योंकि अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, जो कि क्या है, डी वी बाय डी टी। तो इस वी की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ, वेलोसिटी की जगह कितना, 2t + 1। तो एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, सिर्फ 2 आ गया। अब ये बताओ, उसने पूछा एक्सेलरेशन निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मैं 1 कहां पुट करूं, टाइम तो रहा ही नहीं, तो क्या करूं,
इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू टू का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, यानी कि एक्सलेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर एक्सलेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट है, तो चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, चाहे 4 सेकेंड हो, एक्सलेशन की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, टाइम जो मर्जी लिखा हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। सही है यहाँ तक? ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे आपको, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की वैल्यू इज टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स की वैल्यू इज टी स्क्वायर, राइट, सही है। और क्वेश्चन है फाइंड डीएक्स बाय डीटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही बात है, डीएक्स बाय डीटी। तो पहला मेथड ये है, मेथड नंबर वन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो क्या, मेथड नंबर वन में ये निकालना है, क्या निकालना है, डीएक्स बाय डीटी। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी बाय डीटी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, ऐसे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, डीएक्स बाय डीटी इज इक्वल टू 2t। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आता है हमें। लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी का मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड 2 वो ये कि गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, निकालना क्या है, डीएक्स बाय डीटी, ये निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, डीएक्स बाय डीटी। तो जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो मैथ्स में, इक्वेशन समझते हो, जैसे एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वेशन जिसमें इक्वल टू आ जाए और लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो, उसे इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट पे अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जैसे डी बाई डी टी लगाते हैं, तो आपको रूल है मैथ्स का, राइट पे भी डिफ्रेंसिएशन लगानी पड़ेगी। अगर आप लेफ्ट पे डी बाई डी टी कर रहे हैं तो राइट पे भी डी बाई डी टी करना पड़ेगा। तो dx by dt is equal to dx by dt, अभी भी equation जो है वो balanced है, पहले भी balanced है, अब भी balanced है। जैसे x is equal to x equation है, अगर मैं दोनों तरफ dx कर दूं, अगर मैं left पे किया तो मुझे right पे भी करना ही पड़ेगा, तो 1 is equal to 1, तो allowed है। जैसे हम करते नहीं, एक equation given है x is equal to x, मैथ्स में कहते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अलाउड ही नहीं है यार, कैसे कर लो, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट से भी करना है और राइट से भी करना है तो बराबर माना जाएगा। सेम है इसके अंदर भी, तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एक्स लेफ्ट को, तो आपको राइट को भी बराबर करना ही पड़ेगा। ये रूल समझ में आता है? तो देखो, इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इक्वेशन जो मेरे को गिवन है, ये मेरे को गिवन है, मैं काम करता हूं, क्योंकि मेरे को dx by dt निकालना है, तो मैं लेफ्ट साइड पे d by dt लगा देता हूं, राइट साइड पे भी मुझे d by dt लगाना पड़ेगा। देख रहे हो, इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, x dx करके इक्वल है, लेफ्ट पे d by dt, राइट पे d by dt, तो मैंने क्यों लगाया d by dt, dx क्यों नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, d by dt, तो लेफ्ट साइड पे dt dt कर दिया, तो मेरे को क्या निकालना है, dx by dt। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन आपको आती है कितनी, 2t, एक ही बात है, एक ही बात है, एक स्टेप कम है उसमें, एक स्टेप ज्यादा, एक स्टेप कम है, हो तो वही बात, एक बात तो एक ही है, इसमें x को सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन यही आई, इसमें झमेला ही नहीं सब्स्टिट्यूशन का, जो इक्वेशन है d by dt जो चाहिए वो लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड एक साइड में आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी मैं तो, आप इतना कर क्यों रहे हो, मैं तो वैसे मतलब पेन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो सीधा बोल दूंगा आंसर 2t। हाँ तो बोल दो, किसने मना किया, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, मुझे भी मालूम है, मैं और आप मिलके 2t बोलेंगे, 2 into t ही बोलेंगे, पेन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, जब आप किताबें पढ़ेंगे, बुक्स तो लेंगे कोई ना कोई, अभी नहीं जो मैं रिकमेंड करूँगा, बुक का सोल्यूशन पढ़ेंगे या उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे,
वो तो नहीं शॉर्टकट मारेगा ना, वो तो ये लैंग्वेज यूज करेगा। फिर आप कहोगे ये पता नहीं क्या करे जा रहा है यार, इसका आंसर टूटी है। अब ये तो छोटा प्रॉब्लम है, वो बड़े में भी कर सकता है, तो लैंग्वेज मिसमैच हो जाएगी मेरी और आपकी। तो मेरे को करेक्ट लैंग्वेज सिखानी है जिसे आपको किताबें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, इसलिए ये करेक्ट लैंग्वेज है। आंसर तो मेरे को आपको पता ही है कि टूटी है, बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं आते, इसे नोट कर लें प्लीज। ठीक है, फिर एक बार देखो। सपोज करो क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है। अब कई लोग कहेंगे अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या होती है, डीएक्स बाय डीटी। फिर कहेंगे एक्स की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दो, तो वी की वैल्यू डी बाय डीटी ऑफ क्या, एक्स की जगह टी की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा, 4 × t³। आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको जो अभी मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंगली गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएक्स बाई डीटी। अगर मैंने डीएक्स बाई डीटी निकाल दिया तो समझो वी आ गया, तो एक काम करो दोनों तरफ लगाओ डी बाई डीटी और इधर भी लगाओ डी बाय डी टी, दोनों तरफ डी बाय डी टी, डी बाय डी टी। क्यों? क्योंकि आपको मन में पता है डी एक्स बाय डी टी ऑटोमेटिकली क्या देगा, वेलोसिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह वी लिख लें और सीधा आंसर क्या आ गया, 4t³। देखो एक दो स्टेप का फर्क पड़ जाता है इसमें, एकदम आंसर वैसे पेपर में आएगा, मुझे पता आप कुछ नहीं करोगे, पेपर में ओरली कर दोगे 4t³ कर देना। पर पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये रूल समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी बाई डी टी करने से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। एक ही बात है, आपको ये पसंद है ये कर लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर लेकिन वो रूल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी वो रूल लगाऊंगा मैं आने वाले टाइम में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। फिर अब इसका अगला पॉइंट देखो। एग्जाम्पल है, गिवन एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4, गिवन एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि अगर मैं मान लो, ठीक है क्या निकालना है बाद में बताता हूं, आप सिर्फ एक चीज बताओ कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे डी बाई डी टी लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर भी डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर राइट साइड पे 4t³, तो मेरे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 4t³। कोई डाउट इसमें? तो मैंने क्या निकाल दी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताने की जरूरत नहीं है, सिंबल v का लिख भी नहीं रहा किसी भी किताब में। अगर डी एक्स बाई डी टी लिखा हो, कई बुक्स की आदत है वो v नहीं लिखती, वो डी एक्स बाई डी टी लिखती है, तो आपको मन में पता होना चाहिए भाई ये v की बात कर रहा है। सही है, अब ध्यान से देखना,
इसमें इक्वेशन है dx by dt is equal to 4t cube. dx by dt is, ये इक्वेशन है, इक्वल टू लगाओगे. मेरे कहे पे एक मिनट के लिए यहां पे भी d by dt कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी d by dt कर सकते हैं. ऐसे ऐसे ठीक है, लेफ्ट पे भी d by dt, राइट पे भी d by dt. कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये d by dt ऑफ dx by dt, यानी कि डिफरेंशिएशन के आगे एक और डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसका मतलब रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब भी रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज दो बार है. चलो राइट को तो निपटाओ, राइट तो दिख ही रहे, आसान है, 4 बाहर आ गया और t क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है, 3t स्क्वायर, आंसर 12t. अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दो बार डिफरेंशिएशन है, पहले x की डिफरेंशिएशन है, फिर जो आंसर आया उसकी भी डिफरेंशिएशन है. या मन में बोल सकते हो, इसका मतलब मन में क्या बोलोगे, v, तो एक्चुअल में v की डिफरेंशिएशन है और v की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन. तो ये सिंबल किसका है, एक्सेलरेशन का. मतलब लैंग्वेज देख लो फिजिक्स की, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज एक्सेलरेशन. तो कोई ऐसी बुक भी होगी, किसी का ऑथर का सोचने का तरीका ये, वो कहता है जी मैं तो a यूज करता ही नहीं, मेरा तो लेवल ही चेंज है, मैं ये नहीं यूज करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा ए. अब जिसको फिजिक्स आती है समझ, वो समझ जाएगा. एक स्टेप और देख लो, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैथ्स में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है. प्लीज ध्यान से, अजीब लगेगा, डी का स्क्वायर न्यूमिनेटर में डी का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में टी का स्क्वायर है. अजीब है, ऊपर डी को दे दिया, नीचे टी को दे दिया, कोई बात नहीं, ऐसा ही है. तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये रही. और ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन. अब कई किताबें ऐसा भी कर लेती हैं, कैलकुलेशन करेंगी, ए नहीं लिखेंगी, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. अब समझ लो जाके ए है. अब जिसको ये पता नहीं है वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं है ए क्या चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि डी एक्स बाई डी टी की जगह वी है और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ए. तो मैं साइड पर लिख रहा हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या निकला, वेलोसिटी, और इसका मतलब क्या निकला, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन लिखने का ये तरीका है, समझ में आया यहां तक. इसको बोलते हैं हमने एक्स को क्या किया, डबल डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट. तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इसको ये भी बोलते हैं टेकिंग डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. यानी कि एक्सेलरेशन, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. तो लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्या लैंग्वेज है, सही है. प्रॉब्लम फिर वही है, आपने एक ऐसी बुक पकड़ ली जिसका ऑथर ऐसा सोचता है. अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपने सोल्यूशन देख लिया, आपको क्या करके आ रहा है कैलकुलस में. आप लैंग्वेज देख रहे हो, कोई इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, सीधा मैथ उठा के शुरू कर देगा. तो अब जिसको पता है कि वो कर क्या रहा है, उसको पता है ये वी निकला है, उसको पता है ये ए निकला है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें?
कि दो बार x की क्या करना, दो बार x को डिफरेंशिएट करना। चलो मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक और, x की वैल्यू इज t रेज टू पावर 4, ठीक है। मैंने कहा एक बार इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों तरफ से आपने d by dt लगा दिया, क्लियर है। तो मैंने बोला dx by dt निकाल लें, तो dx by dt की वैल्यू बोलो क्या आ गई, 4t³। मैंने कहा एक काम करो, आप इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो लेफ्ट साइड पे क्या लगा दिया, d by dt। तो अगर लेफ्ट साइड पे d by dt, तो मुझे राइट साइड पे भी लगाना पड़ेगा d by dt। लगा दिया, तो यहां पे भी d by dt लगा दिया। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, d2x by dt² की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 3t² कितनी, 12t². तो क्या आ गया, d2x by dt², कोई डाउट इसमें? तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या आई, वेलोसिटी, फिर क्या आई, एक्सेलरेशन। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरे को मजा आ रहा है, मैं एक बार और लगाता हूँ d by dt। हाँ तो लगाओ, आप लगाते रहो, फिर से लगाओ, इक्वेशन है ना, d by dt एक बार फिर लगा दिया, क्या बना, d2x by dt² = d by dt of 12 t square। तो ये क्या बनेगा, d3x by dt³ = 12 × 2t कितना, 24t। थर्ड डेरिवेटिव है ये, तीसरा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी, दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तीसरा डेरिवेटिव क्या नाम दें, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब ये क्या आया, देखो ये तो वी आ गया, सही है, ये तो ए आ गया, ये भी सही है, ये क्या है, नाम कोई नहीं है, समझा दो ये है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल सेम रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये टर्म क्या है, एक्सेलरेशन। हमने क्या निकाला, dA/dt, कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, इसका मतलब आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, और वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है यहां तक, ये उन गाड़ियों में लगता है जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही होती है, चेंज, ठीक। फोर्थ डेरिवेटिव क्या देगा, पता नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये आया तो आंसर आया 24t। नहीं, अगर रेट, देखो दो चीजें हैं, आपकी कार की अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पे ना आंसर कांस्टेंट आएगा, टी नहीं आएगा उसमें, लेकिन मैंने जो एक्स लिखा उसमें टी आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। देखो टाइम 1 पुट करो 24, 2 पुट करो 48, 3 पुट करो 4 पुट करो 5 पुट करो, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस रेट से इंक्रीज हो रही है 24t, इसका मतलब ये है। इतना लेवल नहीं आएगा, डोंट वरी, मतलब नॉर्मल रहता है, डबल डेरिवेटिव का गेम चलती है, तीसरा लेवल तो नहीं आता, चौथा लेवल इंजीनियरिंग के मैथ में आता है, मैथ 1, 2, 3 जो 1.5 साल पढ़ते हैं वो फोर्थ डेरिवेटिव पे काम कर लेते हैं, कुछ 2 साल बाद भी छोड़ दो, आगे भी करना है कुछ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है।
सपोज इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया, अभी मुझे याद आया, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला करवाया था, एक क्वेश्चन याद आया मेरे को, एक्सपोनेंट का है। ये टॉपिक खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्सपोनेंट में जैसे मैंने आपको करवाया था, फॉर्मूला करवाया था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, क्या था, ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसके ऊपर, डी बाई डी टी ऑफ ए ई रेज टू पावर एल्फा टी, वेयर ए एंड एल्फा बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, ए और एल्फा दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। e की पावर एल्फा टी है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ए कौन बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन में अगर ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल है तो ए कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो ना, किसने कहा बाहर निकालो। तो बाहर निकालोगे तो पहला स्टेप बता देता हूँ, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर एल्फा टी, ये बचा। इसका तो आता है, अभी करवाया, फॉर्मूला लिखा हुआ है इतना बड़ा, लगाओ इसकी डिफरेंशिएशन करो। तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो क्या आएगा, ए इंटू ई रेज टू पावर एल्फा टी की डिफरेंशिएशन इज ई रेज टू पावर एल्फा टी, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एल्फा टी, ई की पावर एल्फा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या एल्फा टी, ऐसे होगा डी बाई डी टी ऑफ एल्फा टी। ये पावर को अलग से करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या आएगा, ए ई एल्फा टी, यहां से एल्फा कांस्टेंट आ गया, इनटू डी टी बाय डी टी विच इज इक्वल टू 1 आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक है यहां तक, सही। अच्छा, इसको सॉल्व करना प्लीज, ये क्लियर है। इसको अगर सॉल्व करें, डी बाय डी टी ऑफ ए ई एल्फा टी पी ई बीटा टी, वेयर ए बी एल्फा बीटा ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। करें सॉल्व। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, पहला स्टेप है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ ए ई रेज टू पावर एल्फा टी फर्स्ट टर्म प्लस डी बाय डी टी ऑफ सेकेंड टर्म बी ई रेज टू पावर बीटा टी। क्या स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट है, ए कांस्टेंट बाहर आ गया इनटू डी बाय डी टी ऑफ ई रेज टू पावर एल्फा टी
प्लस बी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर बीटा टी, सही है। नेक्स्ट है ए इंटू ई रेज टू पावर एल्फा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एल्फा टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर बीटा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ बीटा टी। क्या ये स्टेप क्लियर है? ऐसे सिखाया था अभी, सही है। इसमें इसकी जो डिफरेंशिएशन है अल्फा कांस्टेंट है तो क्या आएगा, अल्फा डी टी बाई डी टी तो माने अगले स्टेप में, और इसकी डिफरेंशिएशन में क्या कॉमन आएगा, बीटा डी टी बाई डी टी तो माने आंसर। ठीक है यहां तक? और याद आ रहा है, हाँ ये क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखो मतलब ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा, इफ इफ टी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, इफ टी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड। कितना आंसर है? 4 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर है, किसका आया 4? अरे मैं भी करता हूँ। देखो क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो क्या है, डीएक्स बाय डीटी, अपने को एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन, स्क्वेयरिंग करें, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स आ गया। तो जानबूझ के टी लेफ्ट पे दिया था ताकि आप कंफ्यूज हो, तो कोई बात नहीं, आप एक्स राइट लेफ्ट पे ले आए, बाकी टर्म राइट पे ले आए। तो अब नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, टी प्लस वन का होल स्क्वायर, पावर रूल 2t+1 raised to power 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस वन। तो 2t+1, इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, इसकी 0 है, तो ये वैल्यू आ गई, v का फॉर्मूला बन गया। अब एंड में टाइम को क्या पुट करना है, 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, कोई डाउट इसमें?
आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, आपको एक्स चाहिए। तो अभी काम करें, आप पहले एक्स को लेफ्ट पे लेके आए, तो रूट एक्स टी प्लस वन, स्क्वेयरिंग करें, एक्स इज टी प्लस वन का स्क्वायर, उसको उठा के यहाँ पुट करें, अब डिफ्रेंशिएट करें आंसर, और एंड में टाइम को 1 सेकेंड पुट कर ले। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, चाहो तो डी फोर वाई बाय डी एक्स फोर भी कर सकते हो। तो इसमें लेफ्ट साइड पे लिखो डी बाई डी एक्स, राइट साइड पे भी लिखो डी बाई डी एक्स। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4x का क्यूब। क्या स्टेप क्लियर है? फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो डी बाई डी एक्स, फिर राइट हैंड साइड पे भी लिखो डी बाई डी एक्स, ये लो। तो क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 12x स्क्वायर। सही है, ये रही 4 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर ये आ गया। फिर एक बार और लिखो डी बाई डी एक्स इस इक्वेशन के लेफ्ट पे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर। तो क्या बनेगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, 12 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x। आंसर क्या आएगा, 24x। क्या स्टेप क्लियर है? अब एक स्टूडेंट कहता है कि इतना कर क्यों रहे हो, मैं तो मैं वैसे ही कर दूंगा, मन में कर दूंगा। डी टू वाई का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 बार डिफरेंशिएशन, डी थ्री वाई का मतलब क्या, 3 बार डिफरेंशिएशन मन में कर लो ना। डी वाई बाई डी एक्स करना है तो 4x क्यूब पता है मुझे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और करेंगे तो 3 बार, तो इसी को कर दो ना। हाँ तो कर दो, मना किसने किया है, वो तो मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, किताब ऐसे यूज करेगी, आप मत करना चाहिए, आप फटाफट ओरली कर देना, आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव आना तो है नहीं, किसे पूछना तो है नहीं, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा आएगा तो सीधा मार्क कर देना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? स्कूल में कुछ नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो लैंग्वेज को यूज टू कर रहा हूँ मैं बस, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आज की असाइनमेंट देना 2 नंबर। हाँ, जैसे सपोज क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ध्यान से इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा, एंड ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, ए इज अ कॉन्स्टेंट, दोनों चीजें कॉन्स्टेंट है। फाइंड डी वाई बाई डी टी एंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है।
तो देखो इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ ऐसे करना है, पहले मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी टी। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पे डी बाई डी टी और राइट साइड पे भी डी बाई डी टी। मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है, तो ये निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस ओमेगा टी इन टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। एंगल भी तो लेना पड़ेगा ना, कॉस का एंगल, यहां पर एंगल भी आएगा, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी इन टू, ओमेगा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी क्या है, वन, डी टी बाई डी टी इज वन। तो डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा इधर आ गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये लो। तो पहला आंसर आ गया, कितनों का आ गया था ये, आ गया। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है ना? तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी में तो ओमेगा बाहर आएगा, डी टी बाई डी टी वन, तो ओमेगा बाहर आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है इसमें, अब ये टर्म आ गई मेरे पास। एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी टी इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। एक बार लेफ्ट की तरफ डी बाई डी टी लगाते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, एक बार राइट पे लगाते हैं डी बाई डी टी, तो क्या बनेगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा बाहर इन टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या स्टेप क्लियर है? आगे ए ओमेगा बाहर आ रहा है इन टू कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी इन टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक? तो माइनस कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इन टू ओमेगा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड में, वन, ओमेगा इन टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी इज द आंसर। ये आंसर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये समझ में आ रहा है क्या किया? थोड़ा ज्यादा नहीं, फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है वाला, ये क्लियर है। इस इक्वेशन को फिर से लिखा, डबल डेरिवेटिव निकालना है, दोनों तरफ डी बाई डी टी डी बाई डी टी कर दिया, डबल डेरिवेटिव आ गया, राइट साइड में ए ओमेगा कांस्टेंट आ गया, कॉस की डिफरेंशिएशन बच गई, कॉस की माइनस साइन हो गई इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, वहां से ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर आ गया, अब पूरा आ गया, ठीक है। प्लस टू का टॉपिक है, प्लस टू की डिफरेंशिएशन, प्लस टू में एक चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स, उसमें ये यूज होती है डेरिवेशन, मतलब ये लैंग्वेज यूज होगी। आप अगर ये कर पा रहे हैं, बिलीव मी, आप प्लस टू और प्लस वन में मार नहीं खा सकते, अगर ये समझ में आ रहा है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगी, इस लेवल पे चलेगी, वो भी हाईएस्ट, प्लस वन में तो इतनी भी नहीं जाएगी, ठीक है? इतनी हो गई बस, 2 साल की और क्या चाहिए।
पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप ना वाई ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं ढूंढ रहे? तो क्या किया पहला स्टेप? तो फिर एक प्रॉब्लम है, वाई की प्रॉब्लम है, वाई तो मिला ही नहीं आपको, वाई तो लेफ्ट पे भी आ गया, वाई राइट पे भी आ गया, एक्स को उधर ले जाएं, तो मुझे वाई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दें, मैं खुश हो जाऊंगा। दिखा दो, दिखा दो, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ढूंढ के दिखा दें, इसमें से निकलेगा ही नहीं, वाई फंसा ही रहेगा लेफ्ट पे भी राइट पे भी, करके देख लो, फंसा हुआ है ना, नहीं आएगा। आप एक्स को अलग और वाई को अलग कर ही नहीं पाएंगे इसमें, कर लो, वाई का फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, बता दो एक्स, हाँ मतलब वाई इन टर्म्स ऑफ वाई आ रहा है ना, अकेला वाई नहीं आ रहा और एक तरफ वाई एक तरफ एक्स नहीं आ रहा, ऐसे हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो, और एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं इसमें, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल्स। चलो कुछ समझ में ना आए ना इन टाइप की प्रॉब्लम्स में, तो एक काम करें, क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन गिवन है, समझ में नहीं आ रहा, रीअरेंज कैसे करें, दोनों तरफ लगा दें डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो पहले लेफ्ट पे लगाएं d बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, राइट पे लगाएं d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई क्यूब, आंसर अपने आप आएगा, करके देखो, एक बार लेफ्ट पे लगाएं d बाई डी एक्स, एक बार राइट पे लगाएं d बाई डी एक्स, करके देखें, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तब एक नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या करें, x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, तो क्या करें, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं, तो u इंटू वी के फॉर्मूले में x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब प्लस y क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ये स्टेप क्लियर है? तो
तो ये तो ओपन कर दिया, एक्स और वाई में एक यू एक वी कर दिया, तो एक बार एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वाई क्यूब, एक बार वाई क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। कोई डाउट इसमें? यू इन टू भी क्लियर है, ये सही है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो यू इन टू भी पता है ना, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ये टर्म क्या आएगी? वन। तो ये टर्म क्या आएगी? वन। तो क्या बना? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पावर रूल, थ्री वाई की पावर टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, थ्री पावर नीचे वाई की पावर एक कम, अगर थ्री पे हाथ रखें तो फिर से क्या बच गया? डी वाई बाई डी एक्स, इधर वन नहीं बचा तो लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इसमें। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, प्लस वाई क्यूब, चेक कर लो, कोई स्टेप में डाउट यहां तक चेक कर लो। देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? पावर रूल, पावर नीचे एक पावर कम, थ्री पे हाथ रखा, क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स, वन बचा ही नहीं, जो बचा लिखना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, अब इसमें निकालना क्या है? मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो एक काम करो, इस पूरी टर्म को लेफ्ट पे ले आओ और वन को राइट पे ले जाओ, तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स, ये तो है ही है यहां पे, माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वन। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये टर्म इधर है, ये पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट पे है, इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वन। ठीक है, कोई डाउट इस स्टेप में? अब एक काम करते हैं, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर क्या बचता है? वन। यहां पर क्या बचेगा? थ्री एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वन। तो यहां से अब फाइनल स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी वाई क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय वन थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज आंसर। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, मतलब ये भी एक स्टाइल है, स्कूल के लिए पढ़ के मत चले जाना, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस है, मैं फिर कह रहा हूं, स्टेप्स की डीप प्रैक्टिस है, कुछ नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टेप्स लगाता जा रहा हूं। ठीक, अपने आप जो फिजिक्स जब चलेगी अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है जो एक हार्ड प्रॉब्लम है जो दी हुई है, पर पॉइंट क्लियर है। और आज की लास्ट प्रॉब्लम जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू, ये लो, बस ये क्वेश्चन है। क्या लगेगा? यू अपॉन वी, बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, करो लगाओ। प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन को करते करते कॉपी का पेज खत्म हो जाएगा, थोड़ी विड्थ ज्यादा चाहिए इसमें। करके देख लो, पहला स्टेप करके देखो,
देखो क्या लगा रहे हो, यू बाई वी लगा रहे हो? मैं वो लगाऊंगा नहीं, बहुत बड़ा है यार, फिर अब मोनिटर खत्म हो जाएगा इसमें। मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा पहले, मैं रैशनलाइज कर लूंगा और टर्म छोटी सी आ जाएगी। तो इन स्टेड के मैं इतने बड़े क्वेश्चन को करूं, मैं साइड पे इसे लिखूंगा, ठीक है, साइड पे लिख के अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसे करते हैं रैशनलाइज। मतलब इंस्टेड कि मैं इतनी बड़ी टर्म लूँ, पहले रैशनलाइज करके छोटा करता हूँ। कैसे? न्यूमिनेटर में बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म को खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो यहां पर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कट गया रूट और ये, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, ये भी कट गया रूट से, ये चेक करो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? न्यूमिनेटर के अंदर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, टू से टू भी कटेगा, डिनोमिनेटर में एक्स से एक्स कटेगा, सिंप्लीफाई करके ऊपर आएगा टू एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर, ये आएगा, चेक कर लो। मैथ्स तो अपना अपना है, तो आप अपने खुद करो, इसे इसे ओपन करो, सॉल्व करो, चेक करो ये आंसर आ रहा है। इतना तो कर ही लोगे जब रहे, सही है। और अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से टू कैंसिल कॉमन निकाल के इसे कैंसिल करूं, तो एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, टू से फोर कट गया। तो स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मैं डिफरेंशिएशन जो करूंगा वो इसकी नहीं करूंगा, मैं इस टर्म की करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, एक ही बात है। मतलब इसे क्यों करूंगा, छोटे को करूंगा। देखो प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई, हाफ इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू पावर 1/2 हो गया, सही है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाफ टू बाहर आ गया ना, कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हाफ, ये तो वन हो गया, इसमें हाफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू पावर हाफ माइनस वन क्या है, माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हाफ वन माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस हाफ, तो ये क्या आएगा 2x आंसर। जो सिंपलीफाई करके कि अपना अपना आंसर, कोई टेंशन नहीं है, मेथड बता रहा हूं। चलो सॉल्यूशन तो जो आएगा आएगा, मेथड बता रहा हूं कि इतने बड़े को करने की बजाय हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, फिर उसको अलग से कर देंगे, डिफरेंशिएट, हाफ बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये तो आपको आती है करने, dx बाय dx वन है, इसको तो करना आता है आपको, पावर रूल लगेगा, पावर रूल से आंसर आएगा।